नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। सो दोस्तों, एसएससी सीएचएसएल के फॉर्म आपके आ चुके हैं और जिन्होंने भर दिए हैं बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं भरे हैं जरा वो कुछ ध्यान रखें बातों का, क्योंकि फिर हर बार की तरह ये गलतियां मत दोहराना या फिर ये बात मत पूछना कि सर मेरा ये रह गया है तो क्या मेरा एडमिट कार्ड आएगा और मेरा ये हो गया है तो क्या मेरा एडमिट कार्ड आएगा। अगर आप लोग भी यही गलतियां फिर से दोहराएंगे तो डेफिनेटली आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा और आपकी सारी मेहनत जो आपने कर रही है एग्जाम के लिए या कर रहे हैं एग्जाम के लिए या फिर करेंगे एग्जाम के लिए, वो सब बेकार हो जानी है। सो दोस्तों, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको याद रखनी होंगी फॉर्म भरते वक्त। हालांकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो जनरल हैं, आप लोगों को फॉर्म भरते वक्त पता ही है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो जनरल नहीं है, आप लोगों को नहीं पता है, जरा उनका ध्यान रखिए। सबसे पहली गलती बच्चों ध्यान रखें कि कोई भी बच्चा अगर फॉर्म भर रहा है तो यहां पूरा का पूरा आप डिपेंड ना हो जाएं उसके ऊपर जो फॉर्म भर रहा है। मोस्टली बच्चे फॉर्म खुद से नहीं भरते हैं, वो कैफे वाले के पास जाकर के या कहीं जाकर के फॉर्म भरते हैं। सो अपनी आंखों के सामने बैठ के फॉर्म भरवाएं, ऐसा ना हो कि आप अपने सारे कागज उसको देकर के आ जाए और वो पूरा फॉर्म खुद से भरेगा, ऐसा ना हो। आप रात में बैठे हैं, सुबह बैठे हैं, दोपहर में बैठे हैं, किसी भी समय बैठे हैं, फॉर्म अपनी आंखों के सामने भरवाएं। एक हल्की सी नेम की स्पेलिंग भी अगर आपकी चेंज हो गई है, लाइक मेरा नाम सौरभ है, एस ए यू आर ए वी में लिखता हूं, और अगर उसने एस ओ यू आर ए वी लिख दिया तो भी मेरा फॉर्म ये खत्म ही माना जाएगा, ध्यान रखिए। हालांकि एग्जाम आप दे सकते हैं लेकिन आपको फाइनल ज्वाइनिंग वाले दिन इनको लेकर के कोई दिक्कतें हो सकती हैं। तो जरा भी दिक्कतें से कि ना रखें याद, ध्यान रखें बच्चों, ध्यान रखना। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज, फोटो को लेकर के अपनी डेट और सिग्नेचर जो भी चीज़ मांगा है वो चीज़ ध्यान रखें, पूरा का पूरा नोटिफिकेशन ढंग से पढ़ लें, क्या क्या चीज़ें हमें फॉर्म भरते वक्त ध्यान रखनी है। फोटो पर डेट होनी चाहिए, यस, आपके सिग्नेचर ब्लर नहीं होने चाहिए, फोटो आपकी ब्लर नहीं होना चाहिए, बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, ये सब चीज़ें पूरी अच्छे से याद रख लें। दूसरी बात बच्चों, जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ध्यान रखें मेरे साथ में, जो आपकी मार्कशीट इश्यू होती है, लाइक अगर आप 12वीं बेस पे भर रहे हैं, आप ग्रेजुएशन बेस पे भर रहे हैं, तो जो मार्कशीट आपके इश्यू होती है बच्चों, उस मार्कशीट पर एक डेट लिखी होती है, इश्यू डेट, वो डेट भी बिल्कुल सेम रखना, उसमें भी जरा भी तब्दीली मत कर देना। हालांकि इस चीज का इफेक्ट फॉर्म भरते वक्त इतना नहीं पड़ेगा, आप पेपर दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपके एडमिट कार्ड आ जाएगा, लेकिन जब आप इंटरव्यू के दौरान जाएंगे या फाइनल ज्वाइनिंग पे जाएंगे तो वहां इन चीजों को मैच करने में दिक्कतें होंगी, तब उन दिनों आपको एफिडेविट बनाना होगा और आपको पता भी ना हो शायद कि ऐसी दिक्कतें हैं मेरी मार्कशीट में और आप देने चले जाएं, तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। ये सब कुछ चीज़ें बच्चों याद रखने की होती हैं, क्योंकि ये चीज़ें मैं लगातार अपने ऑफलाइन सेंटर पर देखता हूँ, बच्चे जब करके आते हैं तो वो गलतियाँ आप लोग ना दोहराएं, क्योंकि आप लोगों से मेरी डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं है, तो वीडियो ही एक माध्यम है मुझे आपको बताने का। आप सब भी अपने ही बच्चे हैं तो मुझे बताना जरूरी है बच्चों कि आप लोग इन चीज़ों का ध्यान रखें, मार्कशीट वगैरह पर जो डेट आपकी इश्यू हुई है वही डेट आप इश्यू करेंगे। डेट ऑफ बर्थ बहुत ध्यान से अपनी डेट ऑफ बर्थ भरेगा। सिग्नेचर, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो 12th बाद बिल्कुल पहली बार फॉर्म भर रहे होंगे, तो पहली बार फॉर्म भर रहे हैं तो पहली बार सिग्नेचर कर रहे होंगे और वो डेफिनेटली सिग्नेचर भूल जाएंगे अपने। जो बच्चे पुराने हैं, पक चुके हैं, उन्हें तो पता है सिग्नेचर कैसे करने हैं, क्या है, उनको सब याद है, लेकिन जो पहली बार फॉर्म भर रहे हैं तो जो सिग्नेचर आप यहां करेंगे वही सिग्नेचर याद रखेगा अब अपने आप, जो भी आपने सिग्नेचर कराया अपना वो हमेशा याद रखेगा, कभी भी उस सिग्नेचर को आपको नहीं भूलना है। ओके दोस्तों, सो ये सब चीज़ें आपको काम लेनी है और ध्यान रखनी है, आपके डेट फोटो ब्लर ना हो, सिग्नेचर आपका ब्लर ना हो, मार्कशीट की इश्यू डेट, बहुत सारी चीज़ें बच्चों, फोटो का बैकग्राउंड, फोटो कितने जेपीजी में होनी चाहिए, सब कुछ आपको याद रखना है तब जाकर के आप फॉर्म भरें। और अगर कुछ गलती हो भी गई है तो उसे समय रहते ठीक कर ले, क्योंकि पहली करेक्शन जो है 200 रुपीज़ में है, दूसरी करेक्शन 500 रुपीज़ में, और यहाँ पर कैटेगरी को देख करके छूट भी नहीं मिलने वाली है आपको, ध्यान रखें फॉर्म फ्री है, अगर आप करेक्शन कराए जाएंगे तो वो फ्री नहीं है, वो सबके लिए सेम है, चाहे वो एससी कैटेगरी से हो चाहे एसटी कैटेगरी से हो। तो यहाँ इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए फॉर्म को भरें और तैयारी में भी लग जाए। ओके दोस्तों, सो ऑल द बेस्ट, अभी से आप सभी को मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।